पीएम मोदी ने मंगलवार को उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान किया जो देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस बीच गगनयान को लेकर एक रोचक मोड़ आया है। जिन 4 गगनवीरों को चुना गया है उनमें से सभी अंतरिक्ष यात्री गगनयान मिशन पर नहीं जाएंगे। साथ ही आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इन अंतरिक्ष यात्रियों का मिशन गगनयान के लिए चयन हुआ। इस मिशन के लिए पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान सहमति बनी थी। सबसे पहले बात करते हैं इस मिशन में नासा और इसरो में क्या डील हुई। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इसरो और नासा के बीच डील हुई थी। इस डील के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी कि ISS मिशन के लिए इन चारों में से एक पायलट को शॉर्टलिस्ट करेगा। इस मिशन की योजना भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान से पहले बनाई जाएगी ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान के लिए अच्छी योजना बनाने के लिए ISS मिशन से जरूरी जानकारी और ट्रेनिंग मिल सके। अब बात करते हैं किन किन अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन के लिए चुना गया। शुरुआत करते हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर से। प्रशांत बालकृष्णन केरल के पलक्कड़ जिले में नेनमारा के रहने वाले हैं। उन्होंने रूस में स्पेस फ्लाइट मिशन की ट्रेनिंग ली है। वो NDA से ग्रेजुएट हैं और एयरफोर्स एकेडमी में सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए। 19 दिसंबर 1998 में एयरफोर्स में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर शामिल हुए थे। वो चैट ए कैटेगरी के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट हैं। उन्हें 3000 घंटों से ज्यादा उड़ान का अनुभव है। उन्हें सुखोई, MiG-21, MiG-29, हॉक, डॉर्नियर AN-32 समेत तमाम तरह के विमानों को उड़ाने का एक्सपीरियंस भी है। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन तमिलनाडु के चेन्नई में 19 अप्रैल 1982 को ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन का जन्म हुआ। वो भी NDA के छात्र रह चुके हैं और एयरफोर्स एकेडमी में राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक और सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित हो चुके हैं। वो वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में 21 जून 2003 को शामिल हुए। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन को 2900 घंटे का उड़ान अनुभव है। वो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट है। कृष्णन भी सुखोई 30, MK-1, MiG-21, MiG-29, जगुआर, डॉर्नियर और AN-32 जैसे कई विमान उड़ाने का अनुभव रखते हैं। वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के छात्र भी रह चुके हैं। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप का जन्म 17 जुलाई 1982 को प्रयागराज में हुआ था। वो NDA के पूर्व छात्र हैं और 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना की फाइटर टीम में कमीशन हुए थे। दूसरे गगनवीरों की तरह ग्रुप कैप्टन अंगद भी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट हैं। उन्हें करीब 2000 घंटों का उड़ान का एक्सपीरियंस है। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप ने कई तरह के विमान जैसे सुखोई 30, MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर, AN-32 उड़ाए हैं। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का जन्म यूपी के लखनऊ में 10 अक्टूबर 1985 को हुआ था। वो भी गगनयान मिशन में शॉर्टलिस्ट हुए। दूसरे प्रतिभागियों की तरह NDA के पूर्व छात्र हैं। विंग कमांडर शुक्ला 17 जून 2006 को वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए। वो फाइटर कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट हैं। उन्हें करीब 2000 घंटों का उड़ान अनुभव है। विंग कमांडर शुक्ला ने सुखोई 30, MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर, AN-32 जैसे कई विमान उड़ाए हैं। इन्होंने रूस की राजधानी मॉस्को के यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग हासिल की है। अब बात करते हैं कि कैसे इस मिशन के लिए इन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ। मिशन का हिस्सा बनने के लिए बड़ी तादाद में पायलट्स ने एप्लीकेशन दी थी। इनमें से 12 ने बेंगलुरु में सितंबर 2019 में पहले लेवल का सिलेक्शन प्रोसेस पूरा किया। ये चयन वायुसेना के तहत आने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन यानी कि IAM की तरफ से किया गया। इसके बाद कई सिलेक्शन राउंड हुए और आखिरकार AIM और इसरो ने अंतिम 4 को सिलेक्ट किया। जून 2019 में इसरो और रूस की स्पेस एजेंसी के बीच पायलट की ट्रेनिंग के लिए करार हुआ था। इसके बाद चारों पायलट्स को 2020 में शुरुआती ट्रेनिंग के लिए रूस के यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। वहां पर फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक इनकी ट्रेनिंग हुई। इसके बाद से चारों को कई एजेंसियों और सशस्त्र बलों की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यानी कि HSFC को प्रशिक्षण के लिए विभिन्न सिमुलेटरों से लेस करने पर काम कर रहा है। वो फिट रहने के लिए IAF के साथ नियमित रूप से उड़ान भरना जारी रखते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या है गगनयान मिशन। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त स्पेस मिशन है। इसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर ऊपर धरती के लोअर ऑर्बिट में स्पेस में भेजा जाएगा। 2 से 3 दिन स्पेस में बिताने के बाद उन्हें सुरक्षित वापस हिंद महासागर में समुद्र के भीतर उतारा जाएगा।
इसरो ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल की थी। बुधवार को इसरो ने इसके क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग भी की थी। इस मिशन में HSFC यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का खास योगदान है। इसरो का गगनयान मिशन साल 2025 तक लॉन्च होगा। हालांकि इसके शुरुआती चरणों को इसी साल यानी कि 2024 तक पूरा किया जा सकता है। इसमें दो मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में भेजना शामिल है। जब ये मिशन सफल होंगे उसके बाद ही एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो मिशन गगनयान के बारे में यहाँ मैंने आपको सब कुछ बताया और कुछ ही दिनों में ये सफल भी होने की उम्मीद रखता है। देखते रहिए NBT ऑनलाइन।